नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। रिटायरमेंट के बाद भी आपको नियमित आमदनी होती रहे, इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है। अलग अलग जगह निवेश कर आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन इस बीच अगर कुछ हो जाए तो फिर आश्रितों का क्या होगा, ये सोच सोच कर आप भी परेशान होते होंगे। लेकिन अब बिहार सरकार के नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अब कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है, जिसके तहत ही बिहार सरकार के नेशनल पेंशन स्कीम के तहत मृतक कर्मचारी के परिजनों को पुरानी पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ देने का ऐलान किया गया है। इसकी नियमावली बनाने के लिए वित्त विभाग के सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, जहां कमेटी अपनी रिपोर्ट जून के अंत में राज्य सरकार को सौंपने वाली है। इसके साथ ही नए बदलाव को लेकर मृतक कर्मचारियों के परिवार वालों को आखिरी वेतन भुगतान की 50% राशि पेंशन के तौर पर दी जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका लाभ नए नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों को ही मिलने वाला है। इसके लिए कर्मचारियों को पहले ही ऑप्शन को चुनना होगा। आने वाले समय में एनपीएस के तहत पुराने कर्मचारियों के आश्रितों को भी इसका लाभ मिलने वाला है, क्योंकि केंद्र ने नए और पुराने सभी कर्मचारियों के आश्रितों को भी इसका लाभ देने का फैसला किया है, क्योंकि केंद्र ने नए और पुराने सभी कर्मियों को ये फायदा दे दिया है। इसको लेकर ही केंद्र ने एनपीसी के तहत आने वाले कर्मचारियों की जान जाने पर उनके परिवार को पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पारिवारिक पेंशन देने के लिए पेंशन नियम में संशोधन का काम किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के पेंशन में कई बदलाव करने का काम किया था। कर्मचारियों की जान जाने के बाद अब पेंशन पाने के लिए 7 साल की न्यूनतम सर्विस की शर्त रखी गई है। पहले प्रावधान था कि पेंशन पाने के लिए किसी भी स्थिति में 10 साल की सेवा की जरूरत होती ही है, लेकिन अब जान गंवाने पर पारिवारिक पेंशन के लिए 7 साल की सेवा की शर्त रखी गई है। ऐसे में अब उनके परिजनों को आखिरी पेमेंट का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में इसको लेकर अपना आदेश भी जारी कर दिया है। यानी कि अब कर्मचारियों की जान किसी भी कारण से जाती है तो उसके आश्रितों को 7 साल का 50% और महंगाई भत्ता बतौर पेंशन मिलने वाला है। 7 साल के बाद बेसिक का 30% और महंगाई भत्ता मिलने वाला है। आसान भाषा में समझे तो अगर किसी कर्मचारी की जान जाने के समय बेसिक 50,000 है तो आश्रित को 25,000 और महंगाई भत्ता 7 साल तक दिया जाएगा। 7 साल के बाद बेसिक का 30% यानी 15,000 और महंगाई भत्ता पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जिसके बाद अब उम्मीद है कि आने वाले समय में लोगों को नेशनल पेंशन स्कीम का काफी फायदा मिलेगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।